श्री स्वामी जी महाराज, हम सबका बहुत ऊंचा भाग्य है। देव आदि देव परम पिता परमात्मा श्री राम ने हम सब जो गुरु महाराज के चरण शरण में बैठ करके इस ज्ञान को उपार्जन करके इसको समझ करके जो अपनी आत्मा का मंगल और कल्याण करने की विधि है उसे अपनाए हुए हैं। मिल जगदीश मिलन की वरिया, हे मानव, जब बाबा नानक से यह प्रश्न किया गया, जब जन्म के बाद मृत्यु है, मृत्यु के बाद फिर जन्म है, तब मानव जन्म को प्राप्त करके ये दुख कष्ट तकलीफ बाधा विघ्न क्या आवश्यकता पड़ी थी भगवान को कि ये जन्म देता जीव को फिर वह दुखों को प्राप्त कर रहा है, कष्टों को प्राप्त कर रहा है, रोग शोक उसके जीवन के साथ चिमड़े हुए हैं, तो क्या आवश्यकता थी। तब बाबा नानक ने इसका उत्तर दिया, हे प्यारे, मिल जगदीश मिलन की वरिया, तेरी वारी आ गई है उस परमात्मा से मिलने के लिए। बाकी जितने भी चोले हैं, जीव जंतु हैं, जिनको वह शरीर प्राप्त हुआ है, उस जोनी में परमात्मा की प्राप्ति असंभव है। वह तो भोग जोनिया है, अपने किए कर्मों को वह भोग रहे हैं, उसमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो सकती। सभी जोनियों में सर्वश्रेष्ठ जो यह जन्म मानव का है, नर अथवा नारी के रूप में, इसी में मानव अपनी आत्मा का मंगल और कल्याण कर सकता है, केवल मनुष्य जन्म में। जो महापुरुषों ने यह गीत गाए, विभिन्न छंदों द्वारा, गायकी द्वारा उसकी उपासना की, उसके गुणगान किए, वहीं पर इसी वाणी द्वारा उन्होंने प्रार्थना भी की। यह भी प्रार्थना सभा है। इसमें विशेषता यह है, केवल प्राकृत पदार्थों के लिए हम याचना प्रार्थना नहीं करते कि मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए। केवल यह संकुचित प्रार्थना तक ये सीमित नहीं, मेरी आत्मा का मंगल हो, मेरा कल्याण हो, मुझे परमात्मा की प्राप्ति हो, मैं ब्रह्म धाम को प्राप्त करूं, मैं ब्रह्म धाम में प्रवेश करूं, मुझे मोक्ष प्राप्त हो, यह प्रार्थना है जो सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ प्रार्थना है। इसकी विशेषता यह है, जब मानव सर्वश्रेष्ठ के लिए याचना करता है, प्रार्थना करता है, तो इस लोक के प्रत्येक कार्य व परमपिता परमात्मा योगक्षेम आप संभाल लेता है अपने भक्त का, जो उसकी भक्ति में लग जाता है, उसके नाम आराधन में, नाम चिंतन में, उसकी प्राप्ति में लग जाता है, उस लोक में वह प्रवेश करना चाहता है, तो इस लोक के सर्व कार्य व परमपिता परमात्मा अपने आप अपने भक्त के पूर्ण करने लगते हैं। ये अनुभवगत वार्ता है, गुरु महाराज की वाणी है। महाराज ने अपने जो अनुभव में आया हुआ है वही वर्णन किया हुआ है। इसीलिए उन्होंने, गुरु महाराज ने कहा, जब मुझे प्राप्त हो सकता है तो आप सब भी इस मार्ग पर चल करके उस सत ज्ञान सत चित आनंद स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं, जहां जाकर फिर जन्म नहीं होता, जहां जाकर फिर दुख कष्ट तकलीफ ये सदैव के लिए नष्ट हो जाते हैं। दुख नाम का कोई भी तत्व नहीं रह जाता, रोग शोक कष्ट बाधा विघ्न वहां उसका अभाव हो जाता है, न्यूनता हो जाती है, वहां उस धाम में ये इसके साथ सामना उस जीव आत्मा का नहीं हुआ करता। तब ये अनादि काल से इस ज्ञान को विस्तृत रूप से ब्रह्मा जी के आदेश पर
नारद जी ने, सनत कुमार जी ने और वेद व्यास जी के पुत्र सुखदेव जी ने इस ज्ञान को विस्तृत रूप से जन जन में बांटा। क्यों? जन जन मानव जो दुख में, कष्ट में, तकलीफ में, बाधा विघ्न में पिस रहे थे, उनके दुखों को दूर करने के लिए वह मार्ग दे दिया कि यह मार्ग है जो वास्तविक मार्ग है, इसको प्राप्त करके तुम सर्व सिद्धियों को प्राप्त कर लोगे, सर्व सुखों को प्राप्त कर लोगे और मोक्ष धाम, ब्रह्म धाम को भी प्राप्त कर लोगे जिसके लिए तुम आकांक्षा करते हो, प्रार्थना करते हो। वह धाम की प्राप्ति विधि है, उसका कोई विधान है, उसके लिए योग्यता है। मानव अब जानना चाहता है वह विधि क्या है, उसका विधान क्या है, वह कौन सी मेरे में योग्यता होवे जिससे वह मेरे साथ प्यार करने लगे, वह मेरा हो जावे और मैं उसमें प्रवेश कर जाऊं। सारा ब्रह्मांड उसका है, ये सारे पदार्थ उसके हैं। जब मैं उसका हो जाऊंगा तो जहां प्रीति होती है वहां पर तेरा मेरा समाप्त हो जाता है, जहां प्रीति है सब कुछ एक दूसरे का होता है। परिवारों में ले लो, इसलिए गुरु महाराज ने कहा पहला ज्ञान जो सत है, ये जो सांस मिले हुए हैं एक दिन इन्होंने समाप्त अवश्यमेव हो जाना है, ये सत ज्ञान है। जो आयु मिली हुई है इसने एक दिन समाप्त हो जाना है, कोई भी नहीं रोक पाएगा, ना कोई धनवान, ना कोई राजा, ना कोई महाराजा, ना कोई सिद्ध उपासक, कोई भी नहीं, जो उसके नियम है। दूसरा नियम, जैसे कर्म किए होंगे, अब मृत्यु तो अंगों की होगी, इनके अंदर चेतनता समाप्त हो जाएगी, जब वह शक्ति जिसे हम आत्मा कहते हैं, आत्मा उस परमात्मा का अंश है, हर घट मोरा साइया, वह परमात्मा हर एक घट में, हर एक के हृदय स्थान में, हर एक के हृदय मंदिर में विराजमान है। जो तू करता है हाथ से, पांव से, कर्म इंद्रियों से, वह साक्षी तेरे प्रत्येक कार्य को जानता है, प्रत्येक कार्य को। ये तो कर्म इंद्रियों के, तो सेवा करता है हाथ से, पांव से, वह सब जानता है तेरे को। फिर तू ज्ञान इंद्रियों से दूसरों को नहीं दिखाता, हाथ से काम करता हुआ सब देखते हैं, पांव से चलकर तू सत्संग में, सेवा में लगा रहता है, सब देखते हैं, परंतु तेरे मन में क्या है तू जानता है अथवा तेरे भीतर वह परमात्मा जानता है? उससे तू कुछ छुपा नहीं पाएगा। वह इतना ज्ञानवंत है, उसको भ्रम होता ही नहीं, ये नहीं कि ये मेरा भाव नहीं था। हम दूसरे व्यक्ति को कह सकते हैं कि दूसरा कि ये मेरा भाव नहीं था, परंतु परमात्मा तेरे प्रत्येक भाव को जानता है। यह जो भी तू कर्म किए होते हैं, जो भाव रखे होते हैं, यह वह पूंजी है आत्मा इन सबको ग्रहण करके उस लोक में प्रवेश करता है। यह पूंजी अगर तो शुभ की पूंजी है,
पुण्य कर्म की पूंजी है, सेवा की है, नाम जाप की है। ये अगर पूंजी है तो अगला लोक देव लोकों का तेरे को वह निर्धारित हो जावेगा। ये उसका विधि है, ये उसका विधान है। अगर मन में निंदा, चुगली, दूसरों का अनिष्ट, दूसरों के प्रति द्वेष, दूसरों के प्रति वैर भाव, अगर ये मलिनता देकर, ऐसी पूंजी देकर आत्मा को इस देह से बाहर किया जावेगा, तो वह उसी भाव को लेकर उन्हीं लोकों में, उन लोकों में कई जन्म है कीट पतंगा जो मलिनता रखी, वैसे मलिन शरीर को, वैसे परिवार व घर को वह प्राप्त कर लेवेगा। ये निश्चित सिद्धांत है, ये ज्ञान होना अतीव आवश्यक है। इसके लिए मानव प्रार्थना करता है, याचना करता है कि मेरा कर्म ना बिगड़े, मेरे मनोभाव ना बिगड़े, मेरा कोई भी कृत ऐसा ना हो जो मेरी आत्मा को हानि पहुंचाने वाला हो। आत्मा का वह मित्र बनकर उसके उद्धार के लिए नाम जाप, भजन कीर्तन, सत्संग, अपने ज्ञान को वर्धन करना, यह सत्संग में ही ज्ञान मिलेगा। क्या करना उचित, क्या अनुचित, कहां बचना है, क्या करना है, क्या करने से बचना है, यह ज्ञान गुरु महाराज की चरण शरण में आकर इस सत ज्ञान, यह सत का ज्ञान, ये मानव उपनिषद प्रमाण है। जब सब इंद्रियां लय हो जाती हैं, अर्थात इनमें शक्ति क्षीण हो जाती हैं, जिसे हम मृत्यु कहते हैं, वह मृत्यु केवल शरीर की है, आत्मा की नहीं। आत्मा अमर सत्ता, आत्मा इस शरीर में रहता हुआ, जैसा कर्म करे जन कोई, वैसा प्रभाव उस आत्मा को वह लिपायमान कर देता है, वह भाव आत्मा को दे देता है। इंद्रियों के सारे ज्ञान, कर्म कलाप, भाव अंतकाल में आत्मा